ह्यूमिनिटी नहीं है इसमें। You're a loser. ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिनिटी है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। You're a loser. Are you feeling sorry for yourself? हमने इमिडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमिनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि इफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। Are you feeling sorry for yourself? Well, you should be, जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये तो Oh,
जाओ।